हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस इन कनाडा, या फिर यू कहो कि हेल्थ एंड फिटनेस इन जॉर्जियन कॉलेज। तो मैं अभी जॉर्जियन कॉलेज में ही पढ़ रहा हूँ और मेरा जो कोर्स है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी वो आपको। लेकिन ये जो जॉर्जियन कॉलेज है वो काफ़ी फेमस है यहाँ पर इसके हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम के लिए, और इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो भी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए ही है, जो कि ये पूरी जॉर्जियन कॉलेज की एक हाईलाइट भी है, जो यहाँ की हेल्थ एंड फिटनेस की जो बिल्डिंग है वो वाली। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, प्रोग्राम्स की सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ मतलब ये जो वीडियो वो जॉर्जियन कॉलेज के लिए स्पेसिफिकली तो है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक बातें होगी वो सारी कॉलेज इसको ऑलमोस्ट अप्लाई करती है यहाँ पर कनाडा में। तो अगर आप और किसी कॉलेज में अप्लाई करना भी चाहो तो यहाँ पर जो सारी फंडामेंटल्स, डिटेल्स और प्रिंसिपल्स है वो सारे सेम ही रहने वाले हैं। तो वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही हर तरह के कोर्सेज पे मैं जो है वो वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी कोर्स सर्च में तो देख सकते हो वो सारे वीडियोज़, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और वो मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा साथ ही साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको 12th ग्रेड में इंग्लिश और बायोलॉजी में 60 से आप परसेंटेज चाहिए, या फिर सी ग्रेड या फिर उससे ऊपर जो है वो ग्रेड चाहिए। तो जॉर्जियन कॉलेज में जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% का है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस भी है जहाँ पर 50% के ऊपर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपकी कोई और कॉलेज है तो ज़रूर से ज़रूर उसकी वेबसाइट पर चेकआउट करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको कितने परसेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ जॉर्जियन की बात करें तो यहाँ पर मैथ्स और सॉरी मैथ्स नहीं, बायोलॉजी और इंग्लिश में जो है आपको 60 से ऊपर परसेंटेज चाहिए। तो अब बात करते हैं इंटेक्स के बारे में। तो ये जो जॉर्जियन कॉलेज है वो ये कोर्स सारे के सारे इंटेक्स में ऑफर करती है, यानी कि फॉल, समर और विंटर में, और चांसेस है कि अगर आप कोई और कॉलेज में भी अप्लाई करना चाहो तो वो कॉलेज भी ये कोर्स जो है वो सारे के सारे इंटेक्स में प्रोवाइड करती ही होगी। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर कोर्स की जो वेबसाइट होगी आपके कॉलेज के लिए उसको जाके चेकआउट करो, और उस पर आपको मिल जाएगी डिटेल्स के कौन से इंटेक में है और कौन से इंटेक में नहीं है। तो वैसे तो काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है तो होना ही चाहिए हर इंटेक में, फिर भी एक बार अगर आप कंफर्म करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब इंटेक्स के बाद बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर आपको लैपटॉप वैपटॉप जैसी कोई रिक्वायरमेंट्स तो नहीं होती है, बट यहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में आपको एक लेवल सी का CPR सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा अगर ये कोर्स में एनरोल करना है तो। और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नहीं होना चाहिए, आपको इन पर्सन जो है वो ट्रेनिंग लेनी होगी, और वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड गिना जाएगा। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में तो यही दो चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ये कोर्स के लिए। और एक बात, अगर आपको ये कोर्स में जो है वो एनरोल करना हो तो यहाँ पर आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए। तो मुझे ये तो नहीं पता कि हर कॉलेज में ये मतलब मैंडेटरी है या फिर नहीं, लेकिन जो जॉर्जियन कॉलेज है यहाँ पर ये मैंडेटरी है, और अगर आपको ये कोर्स में अप्लाई करना है तो आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए। सो फाइनली बात करते हैं कोर्स के आउटलाइन के बारे में। तो मतलब आउटलाइन जो है वो ऑलमोस्ट हर कोर्स के लिए सिमिलर ही होती है। तो ये कोर्स में भी टोटल 24 सब्जेक्ट्स है, उसमें से जो है वो 19 आपके मेन कोर्स के रिलेटेड होंगे, और साथ ही साथ इसमें जो है वो आपको दो कम्युनिकेशन कोर्सेज होंगे, और उसके अलावा आपको तीन जो है वो जनरल एजुकेशन के कोर्सेज भी होंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 24 सब्जेक्ट्स है। और अगर कम्युनिकेशन कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पर मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कई सारे कोर्सेज होते हैं, तो जैसे कि डायनामिक प्रेजेंटेशन या फिर वर्क एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन एसेंशियल्स, ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल स्पीकिंग या फिर यूं कहो कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव हो। और ये सारे कोर्स मैंडेटरी होते हैं यहाँ पर ये कोर्स में। और इसके अलावा जनरल एजुकेशन भी होता है, तो जनरल एजुकेशन में काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं अलग अलग वैरायटी के, तो वो आप मतलब जब पहला सेम होगा तो उसमें तो नहीं होंगे वो जनरल एजुकेशन वाले कोर्सेज, बट सेकंड सेम से आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आप एक लंबी लिस्ट होती है उसमें से कोई भी जनरल एजुकेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से 19 जो है वो मेन सब्जेक्ट्स है, और यहाँ पर दो कम्युनिकेशन, उसके अलावा तीन जो है वो जनरल एजुकेशन के कोर्सेज है यहाँ पर कोर्स की आउटलाइन में। और अगर फिर भी आप आउटलाइन जो है वो चेकआउट करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कौन से स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स है वो भी आप देख सकते हो वो आउटलाइन पढ़ के। तो हर 2 साल के डिप्लोमा की तरह इसका पासिंग क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो यहाँ पर आपको जो पर सेम का एवरेज मेंटेन करके रखना होगा वो होगा 60%, और उसके अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट में जो है वो 50% से ऊपर स्कोर करना होगा। तो अगर आप 50% से कम स्कोर करते हो तो वो सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे, और चांसेस है कि अगले सेम में वो कोर्स आपको फिर से लेना पड़ेगा।
और इसके अलावा जो आपके 5-6 सब्जेक्ट होंगे उन सबका मिला के जो एवरेज होता है वो 60 से ऊपर बनना चाहिए, नहीं तो वो भी एक एकेडमिक वार्निंग के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो दूसरा सेम है उसमें इतने परसेंट लाने होंगे कि पिछले सेम के और वो सेम के दोनों के मिला के एवरेज जो है वो 60 से ऊपर चले जाए। तो मान लो कि अगर आपके ये सेम में ओवरऑल 55% आए हैं तो अगले सेम में आपको 65 लाने होंगे, ताकि 55 और 65 मिला के अगर दो हिस्सों में डिवाइड करें तो 60-60 बनता है। तो मेरी बात करूँ तो मैंने ये सेम में 70% लाए हैं, तो अगर मैं अगले सेम में 55 लाता हूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया चलता है, और ये काइंड ऑफ आयल्स जैसा ही है जहाँ पर आपको ओवरऑल 6.5 लाने होते हैं और यहाँ पर इंडिविजुअल में 6 से ऊपर होते हैं। सो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है उसके। तो ये था इसका पासिंग क्राइटेरिया। तो यही थी सारी डिटेल्स जो आपको जाननी चाहिए अगर आप परस्यू करना चाहते हो हेल्थ एंड फिटनेस जॉर्जियन कॉलेज में, या फिर यू कहो के कनाडा की किसी भी कॉलेज में। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो आपको पसंद ही आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।